चलते हैं अभी लाल चौक, आपको दिखाते हैं, विजिट कराते हैं श्रीनगर कश्मीर का लाल चौक। गाइस अभी आ चुके हैं हम डल लेक पर, श्रीनगर काफी फेमस है, यहाँ पे बोट हाउस वगैरह है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, वाओ। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम श्रीनगर हैं, रात को श्रीनगर आए थे कल, जैसे कि पहला ब्लॉग देखा कारगिल में थे हम, कारगिल से पूरा चल के श्रीनगर आए। तो अभी हम जो हाँ स्टे किया था हम भैया के पास में थे। हेलो भैया जी। हेलो भैया जी का नाम अश्वनी, अश्वनी भैया जी हैं एंड भैया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में हैं, और भैया को विशाल पहले से जानता था। तो जब विशाल ने पहले ही बात कर ली थी कि हम रात लेट हो गए थे आने में, मतलब श्रीनगर में जो हमें लिफ्ट मिली थी, काफ़ी लिफ्ट मिली हुई, फिर हम करीब 7 घंटे जाम में रहे, उस वजह से हम पहुंचे करीब 11 बजे करीब। भैया से कांटेक्ट हो गया था 11:30 करीब है, 11:30 करीब हम आए एंड भैया ने बोला कोई नहीं आ जाओ, फिर आप भैया के यहाँ रूम है और स्टे किया। कौन सा होटल है भैया? शेख ऑर्चर्ड, शेख ऑर्चर्ड होटल में भैया रुके हुए हैं एंड ये पूरा यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। कभी भी आप अगर श्रीनगर में आ रहे हैं, अगर होटल चाहिए रुकने के लिए तो आप यहाँ आ सकते हो, ये जगह पूरा यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, या जीरो ब्रिज की तरफ है ये। और एक बार बाहर से दिखा दें, हम चलते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे एंट्री करते हैं, और मैं एक बार वो दिखा दूँ इनका जो बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है शेख ऑर्चर्ड गेस्ट हाउस, आप कभी भी आएँ, काफ़ी अच्छे, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, आप आ सकते हैं या रुक सकते हैं, रुक के और स्टे कर सकते हैं, एक दिन दो दिन जो भी है। इनका क्या है पैसे वैसे का कितने क्या है, आप यहाँ के बात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है अभी चलाएंगे हम आज श्रीनगर में क्या क्या घूमने के लिए वो दिखाएंगे आपको, जो भी होगा इस पूरे ब्लॉग में हम श्रीनगर का ही आपको कवर करेंगे, उसके बाद चलेंगे, कल निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। तो गाइस हम आगे निकल आए एंड जो भैया रुके हुए थे वहाँ पर जीरो ब्रिज से होके जाते हैं, तो यहाँ का बड़ा प्यारा नज़ारा है, देख सकते हैं ये व्यू, ये जीरो ब्रिज का व्यू है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये यहाँ पे। ये नज़ारा जीरो ब्रिज का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी कैफेज भी है, देख सकते हैं रात को ये खुला रहता है पूरा, ये नाव वगैरह खड़ी हुई है एंड नाव में गेस्ट हाउस भी है, मतलब ये देख सकते हैं अंदर कैफे वगैरह भी है ये पूरा, तो काफ़ी प्यारा है मतलब यहाँ का व्यू सच में, जिसे कहते हैं जीरो ब्रिज श्रीनगर। तो यहाँ से होते हुए हम आगे जा रहे हैं लाल चौक के लिए। ये देखिए गाइस ये विशाल जा रहा है आगे, यहाँ पे देखो काफ़ी सारी नाव नौका सब खड़े हुए हैं, अभी और आगे दिखा सकते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं श्रीनगर के लाल चौक पर, जो काफ़ी फेमस रहता है, काफ़ी हाईलाइट रहता है लाल चौक। तो अभी हम आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं मेन मार्केट के बीच में, देख सकते हैं ये मार्केट श्रीनगर की पूरी मार्केट काफ़ी, और ये है लाल चौक सामने, चलते हैं अभी लाल चौक आपको दिखाते हैं, विजिट कराते हैं श्रीनगर कश्मीर का लाल चौक। अभी हम कश्मीर की वादियों में, देख सकते हैं गाइस यहाँ टूरिस्ट लोग फोटो वगैरह करा रहे हैं, ये सब बाहर के होंगे, यहाँ का तो कोई कराएगा नहीं फोटो, क्योंकि अपनी जगह पर कौन फोटो कराता है। ये देखिए गाइस जैसे हमारे यहाँ घंटा ना, ऐसे यहाँ का लाल चौक है ये पूरा, और दिखाते हैं आगे। तो गाइस अभी लाल चौक से निकल आए एंड अब जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं विशाल जी? डल लेक। डल लेक जो यहाँ का फेमस है श्रीनगर कश्मीर का, काफ़ी फेमस जगह है वो, टूरिस्ट प्लेस है, तो वो दिखाएंगे आपको। चलते हैं यहाँ, लिफ्ट मांगते हैं हम, बैग वगैरह और नहीं लेके आए तो लोगों को लगेगा नहीं हम कहीं लिफ्ट बोर्ड ले आए, बस चलो कोई लिफ्ट मिल जाएगी, दिखाते हैं आपको। गाइस अभी आ चुके हैं हम डल लेक पर, श्रीनगर काफ़ी फेमस है, यहाँ पर बोट हाउस वगैरह है एंड यहाँ पर बोट में मतलब घुमाया जाता है, सैर कराते हैं पूरे लेक की, अभी आपको मैं दिखाता हूँ पूरा, चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं साइकिल है, ये भी राइड करते हैं, इनके ऑनलाइन चार्ज होता है। ये देखिए ये देखिए ये है डल लेक, देख सकते हैं यहाँ पे बोट हाउस भी हैं, आगे बोट हाउस हैं इतने भी हैं, ये बोट हैं जिनमें लोग घूम रहे हैं, घुमाते हैं यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी प्यारा है वो, काफ़ी बड़े एरिया में, ये करीब 14 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है पूरा डल लेक, समझ गए ना आप। और अभी देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम, अभी हम डल लेक के आगे एक होटल पड़ता है पंजाबी तड़का के नाम से, आप देख सकते हैं पंजाबी तड़का, और
ये देखिए पंजाबी तड़का के नाम से होटल है, और यहाँ पर हम आए अभी कुछ खाना वाना खाने, और यहाँ मिलते हैं भैया से। हेलो भैया जी। हेलो जी सर। यहाँ पर अगर आपको मतलब पूरा वेज खाना चाहिए तो यहाँ आप आ सकते हैं पंजाबी तड़का के नाम से। एक बार भैया एड्रेस बता देंगे। ये पंजाबी तड़का गेट नंबर 1 और 2 के बीच में डल लेक के पास है। हाँ, होटल परी महल, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, तो कभी भी, क्योंकि मैं खुद परेशान था यहाँ पर ज्यादातर कोई ऐसा होटल नहीं मिल रहा था, तो ये मिला है तो खाना पीना यहाँ खाएंगे। भैया को बताया हम ट्रैवल करें, भैया ने कोई नहीं आप खा सकते हो। थैंक यू भैया जी। ठीक है अभी चलते हैं। ये विशाल बैठा हुआ है। हेलो। हेलो गाइस, कैसे हो? तो अभी करते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ एक दो चीज़ मैंने लगवाई है, वो आ रही है खाने के लिए, खाएंगे अभी। गाइस गाइस देख सकते हैं ये आ गई है। यहाँ ये पूड़ी है, ये भटूरे नहीं है, भटूरे समझो इसको, ये भटूरे नहीं है, पूड़ी है। ये आलू की सब्जी है, ये सैलेड है, एंड ये अचार, एंड ये दही। इतना सब कुछ खाना आया है अभी। विशाल जी ये कुछ अलग मंगा रहे हैं, आप क्या मंगा रहे हो? कुछ नहीं यार, आलू का पराठा। ये आलू का पराठा विद प्याज, करारा पराठा इसने बोल दिया है। एंड मुझे आलू का पराठा खाए, तो 3-4 बार आलू का पराठे खा लिए, तो मैं खाऊंगा कुछ अलग, ठीक है ना? ठीक है। हम फिर से निकल के आ चुके हैं डल लेक पर। एंड देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये ऐसे यहाँ पे बोट है, बोट में आप घूमने का पूरा होता है, इनमें करीब 400 से 450 रुपये लगते हैं पूरे बोट में घूमने के। पूरा डल लेक में घुमाते हैं, आधे घंटा 1 घंटे तक आप घूम सकते हैं पूरा नाव में वगैरह में है। और इनसे बोला हमें भी घुमा दो, इन्होंने कि 400-500 रुपये लगेंगे। मैंने आडो इतने रुपये थोड़ी दे रहा है, हमें क्या घूम के क्या मिलेगा इसमें, ठीक है ना? और एक और चीज़, यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं आगे। देखो ये बोट हाउस है, ये कितने बड़े लग्जरी बोट हाउस हैं, काफ़ी महंगे, ठीक है ना? अगर ज़्यादा पैसा है ना आप पर, अतका पैसा है आपका, अतका जितना मतलब पच नहीं रहा आप पे, मतलब विशाल अगर अतका पैसा है ना, पच नहीं रहा, तो आप बोट हाउस में रुक सकते हो, लग्जरी में, ठीक है ना? चलो अब चलते हैं आगे। ये देखो श्रीनगर का पूरा, चलो एरिया, ये ऊपर पहाड़ भी हैं आगे साइड में, चलते हैं आगे। हाँ जी गाइस, कोई 400 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है, मतलब 400 तो वो थोड़ी देर के ले रहे थे, पता नहीं हमें, वैसे 1200 रुपए तक के हैं इसमें। देखो ये शिकारा बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं विशाल? शिकारा, शिकार कीजिए शिकारा का, मैं इन्हें बोल रहा हूँ बोट। एंड उधर तो आप देख सकते हैं आगे, ये बोट हाउस लग्जरी, ये तो काफ़ी महंगे होंगे, 14 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है डल लेक, जो हमने आपको दिखाया। तो भैया गर्मी बहुत है, बताना अभी हालत ख़राब है, मतलब ये मैं सोचना श्रीनगर में ठंडक होगी, बिल्कुल नहीं है, हालत ख़राब है यहाँ पर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी चल रहे हैं अपने होटल की तरफ, जहाँ रुके हुए हम, और कुछ दिखाने का होगा बीच में दिखाएंगे, वरना चलते हैं। तो अभी आ गए हम जीरो ब्रिज पे, काफ़ी फेमस है आपको पता है से, मतलब अभी हम गए थे, देखो विशाल जी बैठे हुए हैं, आप बोतल से रख रहे हो। हेलो करो। कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए क्या कर रहे हो आप यहाँ बैठ के? बस ऐसे ही कश्मीर के नज़ारे देख रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, काफ़ी प्यारा व्यू है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो गाइस अभी फिर से हम आ चुके हैं बाहर, एंड अभी हैं हम ये जीरो ब्रिज पे, एंड देख सकते हैं नाइट का व्यू कैसा, कितना प्यारा है यहाँ पर। देखिए गाइस यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब टूरिस्ट हैं, यहाँ रहने वाले लोग आते रहते हैं नाइट में। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, वाओ व्हाट अ सीन, सच मतलब ये कितना प्यारा है यहाँ का। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, अभी दिन में कुछ नहीं होता, उस टाइम दोपहर में आए थे हम, लेकिन अब रात में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों का आना होता है यहाँ पे, पूरा ये फुल हो जाता है, देख सकते हैं। ये देखिए और यहाँ से मेरा चेहरा साफ आएगा है कि नहीं, और दिखाते हैं आगे। वो गाइस काफ़ी सारी रील वगैरह के लिए वीडियो शूट कर ली है, क्लिप शूट कर ली है, बट इसका एंगल नहीं बन पा रहा, पता नहीं कैसा, मतलब देखना ज़रा। वही भाई कुछ हुआ, संतुष्ट हुआ है? ओके, मतलब सही क्लिक किया है मैंने, हैं? ओके ये देख सकते हैं गाइस यहाँ का प्यारा प्यारा व्यू, वाओ ये इस व्यू को मैं बार बार देख रहा हूँ सच में, वाओ 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 वाओ, देखो ऐसे ब्राइटनेस का कमाल, ये आईफोन का कमाल ये होता है, देख सकते हैं गाइस, ये देखो और ये देखो
ओके। ये ब्राइटनेस का कमाल है यहाँ पे, मेरा चेहरा साफ आ रहा है ना, है ना। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम होटल वापस, एंड अभी जीरो ब्रिज पे घूम रहे थे, एंड देख सकते हैं खाना लगाए, ये देखिए चावल पनीर एंड ये सैलेड एंड सर है। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, ओनर है यहाँ के, ये जो आप देख सकते हैं शेख ऑर्चिड होटल जो है, और काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब हम करीब कल आए थे यहाँ पे और कल निकलेंगे, मतलब एक दो रात निकालेंगे हमें गुजारी भैया के साथ, भैया खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच सर, एंड अभी खाना आया है तो खाना चेक करते हैं, अभी खाते हैं और मिलते हैं आगे। तो गाइज अभी आ चुके हैं हम रूम पे जहाँ पे अभी स्टे किया हुआ है, एंड इस ब्लॉग को तो शायद यहीं एंड करते हैं। आपने देखा डल लेक, देखा डल लेक जो है यहाँ का श्रीनगर का फेमस, एंड आपने देखा लाल चौक, काफ़ी हाई मतलब हाई व्यू रहता है, मतलब वहाँ पे काफ़ी फेमस है कश्मीर का श्रीनगर का, एंड देख सकते हैं हमारे विशाल भाई। हेलो जी। हेलो हेलो गाइज, कैसे हो? थके हुए लग रहे हो? है नहीं, थकान क्या है, इनके पैरों में छाले पड़ गए, तो इनके लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि शिखर पर देख कर खुश है दुनिया, कि शिखर पर देख कर खुश है दुनिया, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। ये देखो छाला देख सकते हैं गाइस, मतलब ये भारत यात्रा में हमें पैदल भी काफ़ी चलना पड़ता है, जब हमें लिफ्ट नहीं मिलती है ना तो पैदल ही पैदल चलते रहते हैं। कोई नहीं गाइस, उम्मीद है आज का श्रीनगर का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, श्रीनगर कश्मीर काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन अभी गर्मी बहुत है यहाँ पर, सच में इस टाइम बहुत गर्मी है। कल जाएंगे हम पहलगाम की तरफ, वहाँ पर शूटिंग वगैरह होती रहती है, वो जगह भी दिखाएंगे, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ओके okay?